हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू टीम का मेरा नाम है शिवम और आज मैं आपके लिए लेकर आया एक बहुत ही जबरदस्त कंपैरिजन बिटवीन दीज टू एस यू वीज ये है होंडा इक्रेटा और ये है होंडा एलिवेट तो ये एक बहुत ही शॉर्ट एंड क्विक कंपैरिजन रहने वाला है जिसमें हम दोनों की यू के बारे में बात करेंगे यानी कि कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि इस गाड़ी में खास है इसमें अवेलेबल नहीं है और कौन सी ऐसी चीजें हैं ये गाड़ी ऑफर है लेकिन उसमें आपको नहीं मिलती और इस वीडियो के एंड में आप डिसाइड कर लोगे इन दोनों में से आपके लिए कौन सी बेस्ट कार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों बेल आइकन को फटाफट से प्रेस कर दो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यू क्रेटा से कौन सी बात है इस गाड़ी में खास है सबसे पहले तो जो खास बात है वो है दोस्तों इसके फीचर्स यहाँ पे जो कुछ फीचर्स अवेलेबल हैं वो आपको एलिवेट में नहीं मिलेंगे जैसे कि 360 कैमरा मिल जाता है ब्लाइंड स्पॉट के साथ यहाँ पे कंप्लीट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अवेलेबल है फ्रंट में वेंटिलेटेड सीट्स दी गई है ड्राइवर साइड इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स मिलेंगी रियर में क्वेश्चन अवेलेबल हेडरेस्ट के लिए साथ में रिक्लाइनेबल सीट मिलती है वो भी टू स्टेप रिक्लाइनेबल साथ में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल जाती है ऑटो होल्ड फंक्शन दिया गया है इसी के साथ यहाँ पे डोल्स जोन ऑटोमेटिक ए भी, भी अवेलेबल है देन यहाँ पे आपको बोस का सिस्टम मिलता है एट स्पीकर सिस्टम दिया गया uh, है बेसिकली चार स्पीकर हैं, दो ट्वेटर हैं, एक सेंटर स्पीकर एक सब ओफर आपको मिलता है विद एम्पलीफायर यहाँ पे पैरानोमिक सनरूफ मिल जाती है जो कि अगेन यहाँ पे एलिवेट uh, में अवेलेबल नहीं है अगली जो खास बात आपको क्रेटा में मिलती है या फिर हम बोल सकते हैं इन दोनों गाड़ियों में से जो क्रेटा की मनोपली है वो है डीजल इंजन तो यहाँ आप पे आपको डीजल इंजन दिया गया है जो कि आपको मैनुअल uh, और ऑटोमेटिक गेयर बॉक्स के साथ मिल जाता है साथ में टर्बो पेट्रोल इंजन भी यहाँ पे अवेलेबल है इधर आपको टर्बो पेट्रोल इंजन नहीं मिलता uh, टर्बो पेट्रोल आपको डीसीडी -डी के साथ मिल जाएगा यहाँ पे आपको सिर्फ सिंगल इंजन ऑप्शन मिलेगा जो है 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन विद मैनुअल एंड ऑटोमेटिक गेयर बॉक्स और नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन इधर भी दिया गया है दोस्तों सो ग्रेटा में आपको बेसिकली ज्यादा इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं ज्यादा चॉइस मिल जाती है ज्यादा ट्रांसमिशन ऑप्शन दिए गए एनवीएच लेवल यानी कि नॉइज वाइब्रेशन हार्शनेस लेवल अगर हम दोनों गाड़ियों दो की सेम इंजन को कंपेयर करते हैं यानी कि 1.5 लीटर फोर सिलेंडर नेचुरली नेचुरलीटेड पेट्रोल इंजन यहाँ पे भी मैनुअल अवेलेबल है यहाँ पे भी मैनुअल मिलेगा यहाँ पे भी आपको सीबीटी मिलता है यहाँ पे भी आपको सीबीटी मिलेगा सो so पे जो आपको लेवल मिलता है वो स्लाइटली बेटर है बहुत ज्यादा बेटर नहीं है जस्ट स्लाइटली बेटर है सीवीडी uh, इसका भी नॉइजी आपको मिलेगा इसका भी नॉइजी मिलेगा इसमें जो नॉइज़ है वो हल्की सी कम है सो so बस हल्का सा फर्क मिलता है उन्नीस बीस का ज्यादा फर्क नहीं दिया गया बट एनवि एनिवे क्रेटा के बेटर है और नेक्स्ट दोस्तों क्या अगला रीजन बनता है इस गाड़ी को परचेज करने का वो है इसके इंटीरियर्स होंडा एलिट के इंटीरियर्स भी आपको काफी अच्छे मिलते हैं डोल टोन दिए गए हैं साथ में फिट एंड फिनिश क्वालिटी एलिट की भी काफी अच्छी है लेकिन जो इंटीरियर्स में एक मॉडर्नाइजेशन होती है या फिर हम जिसे कहते हैं फ्यूचरिस्टिक एक ट्रेंडी इंटीरियर्स वो आपको मिलते हैं होंडा क्रेटा में यहाँ पे कंप्लीट एक ज्वाइनिंग कनेक्टेड स्क्रीन दी गई है इन्फोटेनमेंट सिस्टम की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की डैशबोर्ड पे एमबीड लाइट मिल जाती है थीम यूज यूज करा गया है ब्लैक फिनिश व्हील व्हील पे मल्टीपल मल्टीपल कलर्स टेक्सचर करे गए आप देखोगे ग्रे कलर का स्टेरिंग व्हील है सिल्वर फिनिश है प्यारो ब्लैक फिनिश में बटन दिए गए हैं फ्लैट बॉटम लेदर आप आपको मिलेगा डैशबोर्ड पे आप देखोगे मल्टीपल कलर यूज करे गए हैं जो कैबिन भी है ओवरऑल ज्यादा आपको एरिया ज्यादा रोमी मिलता है का साथ में यहाँ पे पैरानोमिक सनरूफ दी गई है जिस वजह से और रोमी हो जाता है यहाँ पे नॉर्मल सनरूफ अवेलेबल है सो क्रेटा के जो इंटेरियर है आपको थोड़े ज्यादा स्टाइलिश मिल जाते हैं नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे भी एडाज अवेलेबल है वहाँ पे भी आपको एडाइस मिल जाएगा क्रेटा में जो एडाज के फीचर्स है वो थोड़े ज्यादा दिए गए हैं uh, डियर आपको क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट भी मिल जाता है फॉर एक्जाम्पल आप रिवर्स करो एकदम से कोई गाड़ी साइड से आज आ रही है तो आपको वॉर्निंग मिलेगी अगर आप ब्रेक प्रेस नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली ब्रेकिंग भी हो जाएगी सो कुछ एडाज के फीचर यहाँ पे एक्स्ट्रा दिए गए हैं जो कि एलिवेट में अवेलेबल नहीं है बट दोनों में आपको दोस्तों लेवल मिल जाता है लेन की बसेस भी यहाँ पे दिया गया क्रूज कंट्रोल भी अवेलेबल है बस इतनी ही के फीचर्स की रिक्वायरमेंट होती है तो सफिशियन एयरस के फीचर दिया गया यहाँ पे थोड़े से आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं और लास्ट पॉइंट आता है का वो है इसका कंफर्ट कंफर्ट में यहाँ पे 19-20 का फर्क आपको मिलेगा और फ्रंट सीट्स में जो रियर सीट है उसमें आपको 18 बीस का फर्क मिलेगा सो so, क्रेटा और एलिवेट की जो फ्रंट सीट्स हैं वो आपको ऑलमोस्ट बराबर कंफर्ट ऑफर करती है क्रेटा की थोड़ा ज़्यादा कंफर्ट ऑफर करती है ज़्यादा कुश्तिंग दी गई है थोड़ी वाइडर सीट है आपको अच्छा कम्फर्ट मिल जाता है एंड एलिवेट में भी फ्रंट सीट्स में अच्छा कम्फर्ट मिलेगा इसका बेटर है देन सेकेंड पॉइंट आता है रियर सीट्स का और दो रियो सीट में एलिवेट में आपको लेग रूम ज़्यादा मिलेगा और हेड रूम ज़्यादा मिलेगा लेकिन जो सीट का कम्फर्ट है वो क्रेटा का ज़्यादा दिया गया है रिक्लाइन एंगल बहुत अच्छा है टू स्टेप रिक्लाइन है देन जो कंफर्ट है जो कुशनिंग है और ओवरऑल जो रिक्लाइन की वजह से आपको एक रिलैक्सेशन मिल जाती है वो क्रेटा में आपको बेटर मिलेगी सो स्पेस वाइज कंफर्ट वाइज एंड इंटीरियर वाइज क्रेटा इज बेटर तो ये थे कुछ क्रेटा के यू कुछ इसकी खास बातें कुछ इसके रीजन क्यों आपको इसको परचेज करना चाहिए अब आते हैं अपनी अगली गाड़ी की तरफ यानी कि हॉन्डा एलिवेंट बात करते हैं उस गाड़ी में क्या कुछ खास है जो कि ये गाड़ी ऑफर नहीं कर रही सबसे पहले मैं आपको बताऊं एक्सटीरियर लुक तो क्रेटा की एक्सटीरियर लुक काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लगती है बहुत ही ट्रेंडी बहुत ही यूथ अपीलिंग लुक है कनेक्टिंग फ्रंट में यहाँ पे एलईडी लाइट दी गई है हेड लैम्प आपको एलईडी मिलते हैं नीचे की साइड साथ में रियर में भी इवन कनेक्टिंग टेल अवेलेबल है सेवनटीन इंच के आपको अलॉय व्हील्स मिलेंगे पैन्रोमिक सनप्रूफ मिल जाती है गाड़ी की लुक काफी अच्छी लग रही है काफी फ्यूचरिस्टिक है बट स्टिल समहाउ यहाँ पे एलिवेट इज जस्ट बेटर इन टर्म्स ऑफ लुक गाड़ी की जो लुक है जो एग्रेसिवनेस है जो बहुत ही स्लीक यहाँ पे हेडलैम्प दिए गए हैं बहुत ही बिग साइज की इम्पोजिंग ग्रिल है यहाँ पे बिल्कुल ऊपर की साइड यहाँ पे बोलेंट दिया गया है तो एक अपराइट लुक मिल जाती है एक एग्रेसिवनेस एक बोल्डनेस इस गाड़ी में ऑफर हो करी जा रही है जो कि आपको इसमें नहीं मिलेगी इसकी जो लुक है थोड़ी ज्यादा ट्रेंडी थोड़ी ज्यादा स्टाइलिश लुक है इसकी लुक ज्यादा बोल्ड एग्रेसिव और एक मस्कुलर लुक है एंड दोनों में 17 इंच के व्हील्स मिल जाते हैं आप एलिवेट में मल्टी स्पोक दिए गए हैं आप यहाँ पे कुछ आपको ऐसे अलॉयज मिलेंगे यहाँ पे बिग साइज का आपको ओ मिलेगा यहाँ पे स्लीक एम दिए गए हैं नीचे कैमरा है और एक पडल लैंप है थ्री सिक्सटी कैमरा अवेलेबल है साथ में है गाड़ी की रियर लुक तो रियर में कनेक्टिंग टेला दिए गए क्रेटा में एलिवेट में आपको बिग साइज के यहाँ पे टेला मिलते हैं एलईडी में दोनों की जो लुक आपको मिलती है काफी ज्यादा डिफरेंट है रियर सेटा से बेटर लगेगी लाइसेंस प्लेट की लाइट यहाँ पे आपको एलईडी में मिलेगी यहाँ पे आपको हेलोजन में मिलती है यहाँ पे कूपे लाइक रूफ लाइनिंग दी गई है तो थोड़ा सा स्लानिंग रूफ दी गई है यहाँ पे आपको फ्लैटिश मिलती है सो एक्सटीरियर लुक आई गेस आपको एलिट की बेटर मिलेगी और बूट स्पेस की बात करें तो बूट स्पेस का जो पॉइंट है वो भी जाता है एलिवेट को 458 फिफ्टी एट लीटर्स ऑफ बूट स्पेस अवेलेबल है और यहाँ पे आपको 433 थर्टी थ्री लीटर्स का स्पेस मिलेगा यहाँ पे सब ओफर दिया गया यहाँ पे सब ऑफर अवेलेबल नहीं है यहाँ पे आपको कुछ हुक्स मिल जाते हैं ग्रोसरी कि यहाँ पे नहीं दिए गए दोनों ही गाड़ियों में लगेज लैम दिया गया हेलोजन में और यहाँ पे फोर थर्टी थ्री लीटर्स है यहाँ पे फोर फिफ्टी एट लीटर्स है यानी कि पच्चीस लीटर आपको बूट स्पेस एक्स्ट्रा मिल जाएगा दोनों में पार्सल ट्रे भी है दोनों में सिक्सटी फोर्टी स्प्लिट फंक्शन भी आपको मिल जाता है सो बूट स्पेस एलिवेट का एक्स्ट्रा दिया गया पॉइंट गोस्ट टू एलिवेट और साथ में एलिवेट में कुछ और खास बातें हैं जो कि क्रेटा में आपको नहीं मिलती वो है इसकी हाई स्पीड पे स्टेबिलिटी कॉर्नस पे स्टेबिलिटी स्टेयरिंग व्हील पे बेटर कंट्रोल स्टेयरिंग व्हील पे बेटर फील एंड फीडबैक जब आप हाई स्पीड पर ड्राइव करोगे हमने एलिवेट uh, को उदयपुर में भी ड्राइव करा था जब इसकी मीडिया ड्राइव थी तो उदयपुर में हिल सेक्शन है काफी अच्छी रोड मिल जाती है उदयपुर में ड्राइव करने के लिए तो बहुत ही अच्छी हाई स्पीड स्टेबिलिटी है साथ में यहाँ पे कॉर्नर स्पीड स्टेबिलिटी है स्टेरिंग व्हील बहुत जल्दी अडाप्टि वेट कैरी कर लेता है और आपको बेटर कॉन्फिडेंस यहाँ पे मिल जाता है और नेक्स्ट एलिवेट एक और चीज़ में खास है वो है इसका सस्पेंशन सेटअप जो क्रेटा का सस्पेंशन सेटअप है और एलिवेट का सस्पेंशन सेटअप है ये दोनों गाड़ियों के जो सस्पेंशन सेटअप है अपनी सेगमेंट में आपको दी बेस्ट मिलेगा क्रेटा का सस्पेंशन सेटअप भी बहुत ही अच्छा दिया गया है यहाँ पे जो सस्पेंशन है वो आपको स्लाइटली बेटर मिलता है बम्स एंड बॉटल्स तो ये भी मैनेज कर लेता है साथ में आपको अच्छी स्टेबिलिटी भी दे देता है तो एलिवेट का सस्पेंशन आपको स्लाइटली बेटर मिलेगा बट क्रेटा का सस्पेंशन भी दोस्तों बहुत ही अच्छा है कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द कार्स इसका आपको इसके कम्पेरिजन में थोड़ा सा बेटर मिलता है और इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों पावर के बारे में परफॉर्मेंस के बारे में अगर आप टर्बो इंजन को कंपेयर करोगे इसके नेचुरली एस्पिरेटेड के साथ तो टर्बो में डेफिनेटली ज़्यादा पावर अवेलेबल है इंस्टेंट पावर नहीं आती दोस्तों स्टार्टिंग में हल्के से टर्बो लाएगा क्रेटा में टर्बो पेट्रोल इंजन में उसके बाद मिड रेंज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको मिलेगी बट हम कंपेयर करेंगे इन दोनों के ही नेचुरली एस्पिरेटेड 1.5 लीटर फोर सिलेंडर पेट्रोल इंजन को जिसमें मैनुअल और सीवीडी गेरबॉक्स अवेलेबल है सो so, एलिवेट में जो पावर जो परफॉर्मेंस आपको मिलती है इवन हायर आर पे वो ज़्यादा दी गई है कम्पेयर टू होंडे क्रेटा सो क्रेटा में जो सीवी डी उस पे आपको इंस्टेंट पिकअप इनिशियल पिकअप अच्छी मिलेगी इसमें भी अच्छी मिल जाती है इसमें जो पावर है ओवरऑल स्ट्रेच आपको काफ़ी सही मिल जाती है और आखिरी पॉइंट आता है दोस्तों अफोर्डेबिलिटी का जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा पॉइंट है सो so, एलिवेट की जो अफोर्डेबिलिटी है एलिवेट में जो फीचर्स दिए गए टॉप मॉडल में दे आर मोर देन सफिशेंट एटास के फीचर्स आपको मिल जाते हैं बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है लेंड वॉच कैमरा भी यहाँ पे दिया गया है कंफर्ट भी अच्छा मिलता है एंड एलिवेट का एज अ ओवरऑल पैकेज टॉप एंड मॉडल ऑन रोड प्राइस लगभग साढ़े अट्ठारह लाख रुपए का जिसमें आपको सी मिल जाता है आप मैनुअल लोगे तो आपको और सस्ता मिलेगा तो अफोर्डेबिलिटी वाइज हॉन्डा एलिवेट इज़ अ वेरी वेरी वैल्यू फॉर मनी व्हीकल अगर आपको फीचर ज़्यादा चाहिए तो डेफिनेटली नथिंग लाइक हुंड क्रेटा तो आप इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी परचेज़ करना प्रेफर करोगे दोस्तों आप जरूर बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में साथ में अप टू टेन ईर्स तक की सर्विस कॉस्ट हर एक गाड़ी की हमारी वेबसाइट पर पोस्टेड है वो जाके चेक कर सकते हैं ऐसे ही कंपेरिजन किसी और गाड़ियों का चाहिए तो फटाफट से आप बता दो मेरे को एंड मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में फटाफट से लाइक प्रेस कर देना दोस्तों